आप भी जब भी Hey guys, welcome और welcome. चलो 1 2 3 start. Hey guys, welcome back to our channel. तो आज हम वापस आ गए बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ. और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है शेर अफजल खान टिकटॉक कंपाइलेशन. और अभी हम लोगों ने इनके फनी मोमेंट्स काफी ज्यादा देखे थे, वो सीरियसली बहुत ज्यादा हिलेरियस थे. और आज हम इनके टिकटॉक कंपाइलेशन देखने वाले, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. इस आदमी के बारे में ज्यादा, ओ भाई, लोग इनको छूने के लिए पागल हो रहे हैं. काफी तेजी से ऊपर आया, लेकिन मात्र गैंग को आजकल ये आदमी चलाता है. गैंग को ये चलाता है और अभी अभी उभर कर आया है. बढ़िया था. कोई सवाल कितने खुश है. या तो इनको अपनी बीवी से बहुत डर है, या ये बहुत लॉयल है. दो ही रीजन हो सकता है. तगड़ा है बनने में. है ना, क्या बोला? इसी तरह नवाज शरीफ की जोकर जैसी शक्ल पे ये बंदा सही मजे वाली बात कर देता है. क्या स्टाइल है यार. पुलिस वाले जो है ना, उनके इधर डब्बों में कुछ अकल होती ना तो वो मुझे गिरफ्तार कर लेते. हर नाके पर इन्होंने पुलिस की बारियां नबरी बिठाई थी. मैंने कन्वेंशन में ऐलान किया कि इस रोड पर जाऊंगा, तो जनाब सारे उस रोड पे चल गए. तो ये इनकी अकल है, मैं किसी और रोड से निकल गया. क्या हुआ, शादी तो नहीं करने की है? कह रहा तीन तो आप भी कर सकते हैं. मुर्शिद ने भी की. मुर्शिद जो है ना, मुर्शिद जो है ना, वो है सदा का जीदार बंदा. हम इस मामले में थोड़े से जरा कमजोर हैं. नहीं डरता नहीं हूँ. नहीं डरता नहीं है, लेकिन वो जो है ना, नहीं मजबूरी भी नहीं है. असल में अपनी बीवी के साथ सबसे ज्यादा जुल्म सितम कोई आदमी यही कर सकता है कि उसके सोतन ले आए. इससे बड़ा जुल्म कोई हो ही नहीं सकता. और जब बीवी हो और अपने शेर अफजल खां की ये फनी वीडियो नहीं देखी तो कुछ भी नहीं देखा. वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना. सर वो आखिरी बताइएगा, आपके आपकी वीडियो जो वायरल हो गई है, उस हवाले से क्या कहेंगे लोगों ने? इतने ज्यादा लोग प्यार कर रहे थे वीडियो मेरे वायरल. यार वो मैं सिगरेट पी रहा हूँ, आप लोगों ने चर्सी जाना नहीं. खुदा का खौफ करो यार, चर्सी बना दिया. पकड़ो यार, नहीं पकड़ो पकड़ो, नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ छोड़ दो यार, इधर आओ इधर आओ अंदर आओ अंदर आओ, छोड़ 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 भाई, सूट दिया, छोड़ छोड़ ओए छोड़ 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 यार, खेल दिया भाई, बढ़िया कर, छोड़ 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 दे यार, छोड़ 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 ओए छोड़ यार, ओए छोड़ छोड़, बस 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 यार, बस 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 यार, अफनान 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 नहीं यार, नहीं छोड़, ए ए हम तो एक बार लेंगे, नहीं यार अफनान नहीं, अफनान अफनान बस बस चलिए को बुला लिया. जो इन्होंने पीटीआई की लीडर क़यादत के साथ किया उसे पढ़ दी इन्होंने खान के साथ. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये खबर मैं आपको शेयर कर दूं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्की एहतजाज आपके सामने चंद दिनों के अंदर आ रहा है, जिसमें कंडेम किया जाएगा. और फिर आप उस एहतजाज को देखते हुए ये अंदाजे ज़रूर लगाइएगा कि आया आवाम पीटीआई के साथ हैं या नहीं. घर से बकला जो हैं आप, कल तमाम कचहरियों में अदालतों में जो हैं वो मुल्कगीर स्ट्राइक हैं वकला की. और इंशाल्लाह इस्लामाबाद में हम भी होल्ड कर रहे हैं, तो आप टीम में हर एक के पास अपने केसेस हैं. लेकिन जहां तक मेरे केसेस का ताल्लुक है उनमें तो खान साहब की बेलें बहुत जल्दी हो जाएंगी आपके अंदर अंदर.
लेकिन जो मेयर की केसेस है उनमें चूंकि उनको कहाँ ये टकला शोर, और इस वजह से मैं समझता हूँ कि शायद वो 30 दिन का रिमांड जो है हमें जरा थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा, टाइम जाए होगा हमारा। इतना लोग इनको प्यार करते हैं देख कैसे ये बेगैरत लोग हैं। शेर अफजल खान के ऊपर गाना है, शेर अफजल खान वकीला फर्स्ट को सॉन्ग। क्या बात है, जब भी इलेक्शन होंगे मेरा सबको चैलेंज है के पीछे भी कि तुम जो मर्जी कर लो, पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है, कर बैठी है। शेर अफजल मरवत साहब, कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान या पीटीआई आपको यूज कर रही है और कुछ अरसे बाद आपको टिश्यू पेपर की तरफ देगी, आपके मुखालिफिन इस वक्त ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बात सुने ना जी, वो टिश्यू पेपर का वक्त आएगा ही नहीं, क्योंकि मेरे तो कोई मेरे कोई मकासद ही नहीं है। मेरा तो मकसद यही है खान बाहर आ जाए और कानून की हुक्मरानी हो, बस ये मिल जाए, बाकी पार्टी अपने पास रखें, मुझे क्या चाहिए। इस्तीफा दे देंगे आप? बिल्कुल, मैंने खान को कहा है और बरबांगे दाल कहा है, जिस दिन खान वापस आएगा हुकूमत बने। बहुत ही कमाल की वीडियो थी, और कहते हैं ना रिफ्रेशिंग वीडियो, हाँ। तो रिफ्रेश हो गए, पर एक ना बहुत ज्यादा दुख लगा ये जानकर कि जो उनका घर था वो तोड़ दिया गया, और जैसे उन्होंने पूछा कि जब मैं बड़ा होगा तो मैं, कहते थे हम दोनों मिलकर, तो वो कितनी सही बात करी है ना कि जब आप सच का साथ देते हो तो आप पर बिल्कुल पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाती, तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। और ये टिकटॉक कंपाइलेशन बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी, और देख सकते हैं कि शेर अफजल खान बहुत ज़्यादा अच्छे और लॉयल इंसान है, इवन उनकी फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए भी कैसे कह रहे थे कि मैं हैप्पीली मैरिड हूं, याद हो वही बात है ना। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी, और शेर अफजल खान जितने को ऐसे लगता है कि वो बहुत भोले हैं तभी वो कुछ भी बोल लेते हैं, लेकिन वो देखा जाए दिल के काफ़ी सच्चे इंसान है। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करें अगर आप नए। बाय।